तुम एक नया चैनल बनाते हो एंड नाउ यू वांट टू ग्रो एंड ग्रो फास्ट। पर यार लॉजिकल सी बात है, चैनल नया है तो इस पर सब्सक्राइबर भी जीरो होंगे, तो मतलब तुम वीडियो डाल भी दो, लाइक दुनिया की बेस्ट वीडियो डाल दो तो भी व्यूज आना बहुत मुश्किल है। तुम्हें कुछ तो इनिशियल व्यूज चाहिए ही होंगे ना। मतलब सब छोड़ो, सब साइड में करो, लेकिन वो शुरू के 100 लोग या इवन 10 लोग कहीं न कहीं से तो लाने पड़ेंगे ना, तभी तो YouTube तुम्हें प्रमोट करेगा। ऐसे में तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन दिखता है, शेयरिंग योर वीडियो, बट ट्रस्ट मी दैट इज लास्ट थिंग यू वांट टू डू। तुम सोचते हो कि शुरू के व्यूज कैसे आए एंड तुम्हारे दिमाग में आता है शेयर। अब ऐसे में यू स्टार्ट शेयरिंग द वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली, स्कूल ग्रुप एंड और न जाने कहां कहां, एंड उससे तुम्हारे व्यूज भी आने लग जाते हैं एंड यू फील यू आर ग्रोइंग। पर लिख कर ले लो, तुम्हारा चैनल ग्रो हो ना हो लेकिन जरूर हो जाएगा। पर क्यों ऐसा होता ही क्यों है? शेयर करने से तो ग्रोथ होनी चाहिए ना। हाँ होनी तो चाहिए, पर होगी नहीं। लेकिन यार YouTube वाला, ऐसे में हम करें तो करें क्या, वीडियो को शेयर नहीं करें? एंड हाँ, आज का टॉपिक भी यही है, व्हाई यू शुड शेयर योर वीडियो। देखो यह एग्जांपल तो मैं फैक्ट पे लेकर बता रहा हूँ, तुम्हारा जो भी कैटेगरी होगा उससे कंपेयर कर लेना, तुम एकदम सेम ही सेम होगा। ऑल्सो अगर तुम्हें यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए बहुत कुछ सीखना है एंड तुमने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो तुम, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखो तुम्हें वीडियो को शेयर कैसे करना चाहिए यह तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जान लो कि शेयर करने के फायदा क्या क्या है और कितनी लेंथ की वीडियो शेयर करनी चाहिए तुम्हें। मान लो तुमने एक वीडियो अपलोड किया और उसे सिर्फ 100 लोगों को शेयर कर दिया। अब ऐसे में 100 व्यूज स्टार्टिंग में तुम्हारे पास आ गया है, 100 व्यूज मतलब 100 लोगों ने तुम्हारी वीडियो को देख लिया है। अब अगर तुमने यह 100 लोगों में से कम 80 लोगों को या 60 लोगों को ही वीडियो के एंड तक रोक लिया, तो अब तुम्हारी वीडियो के साथ क्या होगा, इसके लिए तुम्हें ऑडियंस रिटेंशन फार्मूला को समझना होगा। इसे तुम शॉर्ट वीडियो में अप्लाई नहीं करना, शॉर्ट वीडियो के वायरल होने का और भी दूसरा फैक्टर होता है जिसके बारे में हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर तुम्हारी वीडियो बिगिनर लेवल की है, मीन्स 1 मिनट से 5 मिनट के बीच की है, तब तुम्हारे वीडियो को ऑडियंस रिटेंशन 60-80% होना चाहिए। एंड मीडियम लेवल की है तब चाहिए 50-60%। और अब बारी आती है एडवांस लेवल की, जिसमें अगर तुम्हारी वीडियो 8 मिनट से ऊपर की है तब तुम्हें चाहिए होगा एकदम थोड़ा सा ऑडियंस रिटेंशन, जो कि वो है 25-30% के अराउंड। तब यार YouTube वाला यही सही है ना, इसमें तो सिर्फ 25% ही चाहिए। अगर तुम्हें यह लगता है तो यू आर रॉन्ग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आगे देखो, क्योंकि 12 मिनट का 25% निकाल कर देखो तो वो होगा 3 मिनट। अब किसी भी अननोन पर्सन द्वारा शेयर की गई वीडियो को इतना देर तक लोग तभी देखेंगे जब कंटेंट होगा एक्सट्रीम लेवल का। तो अब ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो देखो ऐसे में या तो तुम्हारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी मंडी में नहीं मिलता हो, या फिर नॉर्मल सा कंटेंट है जो सभी मंडी में आसानी से मिल जाता हो, तब तुम्हें 3 मिनट के अराउंड की वीडियो शेयर करनी चाहिए। और जब 3 मिनट के अराउंड की वीडियो होगी और उसे 100 लोग लगभग एंड तक वॉच कर लेंगे, तो अब यूट्यूब तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाएगा और उसका इम्प्रेशन आगे 1000 लोगों तक जाएगा, और उनमें से कुछ लोगों ने क्लिक किया तो क्लिक थ्रू रेट के हिसाब से आगे इम्प्रेशन जाता रहेगा। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा जब तक तुम्हारे वीडियो को ऑडियंस रिटेंशन और CTR डाउन न हो। तो अब तुम्हें लगेगा कि कितना आसान है, सिर्फ 100 लोगों को भेजो और खेल खत्म। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम अभी बहुत पानी में हो, क्योंकि तुमने अभी तक एक चीज नोटिस नहीं किया कि वो 100 लोग जिन्होंने तुम्हारी वीडियो पर क्लिक किया है, अब वो है कौन, वो तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जान लो कि यह 100 लोगों ने तुम्हारी वीडियो पर थंबनेल को देखे बिना क्लिक किया था। इसका मतलब साफ है कि अब उसके बाद जिसके पास भी तुम्हारे वीडियो का इम्प्रेशन जाएगा, वो ऑडियंस तुम्हारे वीडियो पर तुम्हारा थंबनेल देखकर ही क्लिक करेगी। सो इसके लिए तुम्हें थंबनेल क्लिकबल तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब थंबनेल के ऊपर तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। नाउ अब जानते हैं कि तुम्हारी राइट ऑडियंस है कौन, वो कौन है जिसके पास तुम्हें वीडियो शेयर करना चाहिए और कैसे शेयर करना चाहिए जो वो तुम्हारी वीडियो को एंड तक देखे और तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब भी करे। इट्स ए सिंपल शेयरिंग योर वीडियो टू योर पोटेंशियल ऑडियंस। बट अब बात आती है कि यह पोटेंशियल ऑडियंस है कौन। मान लो तुम एक वीडियो बनाते हो रिलेटेड कार्टून वीडियो, यह बेसिकली बच्चों के लिए कंटेंट है। अब एक बात बताओ, तुम अगर यह वीडियो एक 55 साल के अंकल को दिखाते हो क्या वो इसे देखेंगे? नहीं ना, बल्कि यह करने के लिए अगर तुम पास में हो तो तुम्हें जूते और अगर ऑनलाइन हो तो गाली भी पड़ सकती है। अब बात साफ है कि ही इज नॉट योर पोटेंशियल ऑडियंस। वही अगर तुम यह वीडियो किसी बच्चे को दिखाते हो तो इसके लिए वो तुम्हें थैंक यू तक कह सकता है अगर वाकई में उसे कंटेंट पसंद आया तो। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यह तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस है। इन सिंपल वर्ड, कार्टून वाली वीडियो बच्चे ही तो देखेंगे ना, आप कॉलेज जाने वाले थोड़ी देखने लगेंगे इसे। या हो भी सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बच्चे ही देखेंगे। तो कार्टून टाइप की वीडियो की पोटेंशियल ऑडियंस हुई किड्स, एंड हेंस अगर ऐसी वीडियो तुम उनके साथ शेयर करते हो
तो देन चांसेस आर हाई कि एक तो वो तुम्हारी वीडियो को पूरा देखेंगे एंड सब्सक्राइब भी कर लेंगे। एंड यही लोग हैं जिनके साथ तुम्हें अपनी वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो अब ऐसे में ऐसा ना हो कि सभी के सभी बच्चों को ही वीडियो शेयर करने लगना। यह एग्जांपल मैंने कार्टून वाली वीडियो का लिया है सिर्फ। सो तुम्हारी जो भी कैटेगरी होगी उससे तुम अपनी पोटेंशियल ऑडियंस ढूंढ लेना, देन शेयर योर वीडियो विथ देम। बट पोटेंशियल ऑडियंस क्या है यह तो समझ आ गया, लेकिन भाई यह मिलेगी कहाँ? हम अपनी वीडियो को शेयर करें तो करें कहाँ? अगेन द सिंपल आंसर इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ, इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स देखने के लिए नहीं होता है, कभी कभी यह काम भी आ जाता है। तो तुम्हारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर कहाँ मिलेगी? एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तुम्हारा एक फैक्ट चैनल है, ऐसे में तुम इंस्टाग्राम पर अपनी पोटेंशियल ऑडियंस कहाँ ढूंढोगे? वेरी सिंपल, यूट्यूब पर जो पहले से फेमस फैक्ट चैनल्स हैं उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाओ एंड उनके जो फॉलोअर्स हैं वही तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस होगी। क्या, ऐसे कैसे? तो देखो, तुम फैक्ट वीडियो बनाते हो तो तुम्हें 100 ऐसे लोग चाहिए जो पहले से ही फैक्ट वीडियो में इंटरेस्टेड हो। अब जो भी उस फैक्ट चैनल के फॉलोअर्स होंगे ऑफकोर्स उन्हें फैक्ट वीडियो में इंटरेस्ट है, ऐसे में वो बन जाते हैं तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस। ऐसे ही मान लो कि तुम अगर रोस्ट वीडियो बनाते हो तो कैरी मिनाटी की फॉलोअर्स होगी तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस। तो मान लो तुम ब्लॉग्स बनाते हो तो ऐसे में सौरभ जोशी, मुंबईकर निकल, फ्लाइंग बिक्स, इन सब के फॉलोअर्स तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस होगी। अब बात आती है हाउ टू रीच देम। इसमें क्या है, सिंपल है, मैं सीधे डीएम में लिंक भेज दूंगा। क्यों भाई, चाचा है क्या वो तुम्हारे, जो ऐसे डीएम में डायरेक्ट लिंक भेजोगे और वो तुम्हारी वीडियो को देख लेंगे? ऐसे में वो तुम्हारी वीडियो छोड़ो, वो तुम्हारे मैसेज को रीड तक नहीं करेंगे और किसी का ज्यादा दिमाग खराब हुआ तो तुम्हें कोई रिपोर्ट न कर दे। तो यह तरीका नहीं है टू शेयर योर वीडियो। तो यूट्यूब वाला तू ही बता देना कि हम वीडियोस कैसे शेयर करें। हाँ, तो देखो इसके लिए तुम्हें थोड़ा प्रो बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ कि मैंने कैसे लोगों को अप्रोच किया था स्टार्टिंग में, जब मैंने सेकंड चैनल का प्रमोशन किया था तब। बाकी यार तुम अपना दिमाग लगाना और एक्सपेरिमेंट करना। वैसे भी यूट्यूब विदाउट एक्सपेरिमेंट इज नथिंग। तो सबसे पहले तुम उनकी फॉलोअर्स की लिस्ट में जाना। अब एक एक करके जो भी अकाउंट्स पब्लिक हैं उन्हें हाय या हेलो लिखकर भेजो। अब अगर तुम डायरेक्ट लिंक भेजोगे तो वो ऐसे में तुम्हें स्पैम समझकर रिप्लाई तक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जितना हो सके उतना लोगों को हाय या हेलो यह लिखकर भेजो। आई थिंक इंस्टाग्राम की कुछ लिमिट भी होती है कि एक दिन में तुम कितने लोगों को मैसेज भेज सकते हो। जो भी लिमिट है तुम उसके अकॉर्डिंग हाय या हेलो लिखकर भेज दो। अब वेट करो, मान लो तुमने यह मैसेज 100 लोगों को भेजा था, अब ऐसे में 50 या 10-20 का ही रिप्लाई आया। नाउ इज द टाइम टू पिच देम योर वीडियो। मेन बात यह है कि वो डीएम जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा, मैक्सिमम 2-3 लाइन। एंड उसमें सिंपल रिक्वेस्ट करें कि पसंद आए तो ही देखना, वरना नो प्रॉब्लम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। एक तो सामने वाला इंसान तुम्हारा मैसेज पढ़कर तुम्हें अपना टाइम दे रहा है जबकि वो तुम्हें जानता तक नहीं है, तो इसके लिए एक थैंक यू तो बनता ही है। प्लस मैसेज में दिखना चाहिए कि तुम्हें अपनी वीडियो पर कॉन्फिडेंस है कि पसंद आए तो ही देखना, वरना कोई बात नहीं। एंड अगर उन्हें पसंद नहीं आता है तो तुम उनसे बाद में फीडबैक भी ले सकते हो एंड उन्हें 3-4 लाइन के नीचे अपनी वीडियो का लिंक भी डाल देना। ओवरऑल मैसेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब जो जो तुम्हारे हाय हेलो का रिप्लाई करता है उन्हें यह मैसेज कॉपी और पेस्ट कर दो एंड ऐसा करके तुम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस के फॉलोअर्स को भी यह मैसेज भेज सकते हो। तो बनाओ यार 2 इंस्टाग्राम आईडी और 2 फेसबुक आईडी, ऐसे करके तुम इजीली अपनी वीडियो को 100 लोगों तक भेज सकते हो जिन्हें वही कंटेंट टाइप में इंटरेस्ट है जो तुम वीडियो बना रहे हो। एंड हाँ, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर 2121 टाइप कर दो, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन वीडियो को यहाँ तक देख रहा है और कौन कौन वीडियो को क्विट कर दिया है। नाउ अगर तुम यहाँ तक आ गए हो इसका मतलब तुम सच में अपने चैनल को लेकर सीरियस हो। तो ऐसे में मुझे तुम्हें एक टिप देना चाहिए जो यह है कि तुम जब अपनी वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हारी वीडियो को एंड तक तभी देखेंगे जब उन्हें वीडियो में इंटरेस्ट आएगा। आई मीन वीडियो इंगेजिंग रहनी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि वीडियो इंगेजिंग बनाए तो बनाए कैसे? तो जवाब है वीडियो में बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर, ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज करके, अच्छी से अच्छी वॉइस ओवर करके, ओवरऑल देखें तो बेस्ट वीडियो एडिटिंग करके। तो इन सभी चीज के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो और अगर काइन मास्टर से रिलेटेड हर वो छोटी से छोटी एडिटिंग पॉइंट को समझना चाहते हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। सो मिलता हूँ यार तुम लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग।